हीरो होंडा ने वैसे तो भारत में एक से बढ़कर एक मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च किया, और देखा जाए तो हम भारतीय लोग आज भी हीरो होंडा की बाइक, मोटरसाइकिल और मोपेड को आज भी बेहद पसंद करते हैं। और हीरो होंडा ने हम भारतीय लोगों के लिए एक से बढ़कर एक मोपेड मोटर बाजार में लॉन्च किए, जैसे हीरो पंच, होंडा सिटी, काइनेटिक होंडा। इसी के साथ साथ और भी कई ढेर सारी मोपेड के नाम सामने आते हैं। लेकिन साल 1997 में आई हीरो होंडा की हीरो होंडा स्ट्रीट एक बहुत ही सफल दो पहिया वाहनों में से एक थी, इसीलिए तो लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई थी इस मोपेड ने। जिन लोगों ने इस बाइक को चलाया है, हकीकत में वो ही जानते हैं इस बाइक को चलाने का असली मजा और इस बाइक की शानदार विशेषताएं। साल 1997 में इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो ने और जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने हीरो होंडा स्ट्रीट बनाया था। ये बाइक बजाज की M80 और बजाज की M80 मेजर मोपेड को टक्कर देने के लिए इंडियन मोटर बाजार में लॉन्च की गई थी, क्योंकि उस जमाने में बजाज की मोपेड M80 और मेजर का इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा क्रेज था और लोग बजाज की M80 को चलाना बहुत पसंद करते थे। MSC मोपेड की सफलता को देखते हुए हीरो होंडा ने हीरो होंडा की स्ट्रीट को मोटर बाजार में उतारा था। ये बाइक बजाज की M80 को टक्कर तो नहीं दे सकी, लेकिन हीरो होंडा की एक शानदार पेशकश रही। इस बाइक का डिजाइन काफी यूनिक था और मजबूती के मामले में ये मोपेड काफी सफल थी। उस जमाने में इस तरह का डिजाइन जापानी मोपेड में ज्यादा इस्तेमाल होते थे, इसीलिए इस बाइक का डिजाइन नॉर्थ एशियन देशों में चलने वाले मोपेड के हिसाब से बनाया गया था। साथ ही इसमें दमदार जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। हीरो होंडा स्ट्रीट हीरो होंडा की पहली यूटिलिटी बाइक थी। इसके अलावा इस बाइक में कोई क्लच नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे इस बाइक का बिना क्लच के होना भी इस मोपेड को उस जमाने में काफी यूनिक बनाता था। ये पेट्रोल पे चलने वाली मोपेड बाइक थी जिसमें 97 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन लगा था। बात करें माइलेज की तो 1 लीटर पेट्रोल पे ये मोपेड 60 से 70 किलोमीटर तक आराम से चल जाया करती थी। माइलेज के मामले में यह गाड़ी उस जमाने में बहुत सफल थी, क्योंकि इतना ज्यादा माइलेज उस जमाने में बहुत ही कम मोपेड देती थी। इसी के साथ हीरो होंडा स्ट्रीट में 4 ट्रांसमिशन गियर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। फ्यूल कैपेसिटी 11 लीटर थी हीरो होंडा स्ट्रीट की। बड़े शहरों में रहने वाले युवाओं को हीरो होंडा की ये मोपेड उस जमाने में खूब पसंद आने लगी थी। ये बाइक नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की पहली पसंद थी, और नौकरी पेशा लोग, ऑफिस में काम करने वाले लोग, साथ ही सरकारी कर्मचारी भी इस गाड़ी को बेहद पसंद करने लगे थे। ये मोपेड बाइक 90 के दशक के आखिरी सालों में और सन 2000 के शुरुआती जमाने में भारत के बड़े शहरों के सड़कों पे खूब देखने मिलती थी, लेकिन छोटे गांव के लोगों में ये बाइक ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई, क्योंकि उस जमाने में छोटे गांव की ज्यादातर आबादी बजाज M80 को ही पसंद करती थी, क्योंकि बजाज M80 किसानों में बेहद फेमस थी, जिस पर ये भारी भरकम सामान लाद के ले जाते थे और सवारियां भी ज्यादा बिठा सकते थे M80 में, और पीछे कैरल भी आता था बजाज M80 में, जिस पे बहुत से छोटे व्यापारी अपना कारोबार करते थे, अलग अलग गांव में जाकर सामान बेचते थे। और हीरो होंडा स्ट्रीट के मुकाबले में काफी सस्ती और किफायती थी उस जमाने में। छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोगों में बजाज की M80 बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, और हीरो होंडा स्ट्रीट के मुकाबले में काफी सस्ती और किफायती थी उस जमाने में। कुछ लोग M80 पे सामान बेचते थे, दूध बेचते थे, मतलब कि ऑलरेडी M80 और मेजर ने इंडियन मार्केट में जगह बना ली थी छोटे गांव में रहने वाले लोगों के दिलों में। और हीरो होंडा स्ट्रीट में विशेषताएं तो बहुत सारी थी, लेकिन हीरो होंडा स्ट्रीट ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों में यह मोटरसाइकिल अपने स्टाइलिश लुक और विशेषताओं के चलते काफी पॉपुलर हुई थी उस जमाने में। जैसा कि भारत की ज्यादातर आबादी छोटे गांव में ही रहती है, जिसकी वजह से बाद में इस मोपेड के सेल्स में काफी बड़ी गिरावट देखने मिली, जिसके बाद कंपनी ने इस बाइक के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। 90 का दशक वो जमाना था जब व्हीकल को लोग अपने परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा मानते थे, और मोटरसाइकिल खरीदना और चलाना उस जमाने में युवाओं का सपना हुआ करती थी, जिसकी वजह से आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी इस मोपेड को अपने से दूर नहीं किया। आजकल ये बाइक भले ही सड़कों पर नजर कम आती हो, लेकिन इस मोपेड का भी एक शानदार इतिहास रहा जब ये सड़कों पर राज किया करती थी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी हीरो होंडा स्ट्रीट को चलाया है? इस मोपेड के साथ आपका क्या अनुभव है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।